वेलकम टू StudyIQ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जॉन ऑसबॉर्न के बहुत ही प्रसिद्ध प्ले लुक बैक इन एंगर को देखेंगे। लुक बैक इन एंगर मॉडर्न ड्रामा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले है। ये बहुत सक्सेसफुल हुआ था। इसकी रचना की गई थी, पहली बार लिखा गया था 1955 में, लेकिन परफॉर्मेंस पहली बार हुई थी 1956 में, और तब से लेके ये प्ले बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्ले ने नई शुरुआत करी थी एंग्री यंग मैन मूवमेंट की, जिसके बारे में हम आगे जाके और देखेंगे। इस पर्टिकुलर प्ले को हम लोग एनालाइज करेंगे थोड़ा सा और इसकी समरी एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्ले के बारे में कुछ देख लेते हैं। पहली बार इसका परफॉर्मेंस हुआ था 1956 में, तीन एक्ट्स में ये प्ले लिखा गया था, और ये प्ले था एग्जाम्पल ऑफ नेचुरलिज्म। अब नेचुरलिज्म का क्या अर्थ होता है? नेचुरलिज्म का अर्थ होता है कि आप जो सारी की सारी गड़बड़ चीज़ें हैं, जैसे कुछ कोई चोरी हो रही है, अंडरबेली चीज़ें हैं, या फिर जो चीज़ें हम आम तौर पे सोचते हैं कि हम उनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, वो भी हमें नेचुरलिज्म दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉवर्टी हो गया, स्लम्स हो गया, कोई बुराई है जो, या फिर चोरी चपाटे हो रहे हैं, तो वो सारा कुछ नेचुरलिज्म में कवर होता है। सो नेचुरलिज्म वॉन्ट्स टू डिपिक्ट द अंडरबेली को डिपिक्ट करता है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिवली दिखाता है। ऑब्जेक्टिवली मतलब बिल्कुल सिंपथाइज नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिवली आपको वो सारी चीज़ें दिखाएगा जो कि हम पूरी सोसाइटी में गलत समझते हैं। और ये प्ले नेचुरलिस्टिक प्ले था, और ये जो प्ले था, जैसा कि हम लोगों ने कहा, ये वर्किंग क्लास के बारे में बताएगा, रियलिटीज़ के बारे में बताएगा, तभी नेचुरलिस्टिक था इन नेचर। और ये एग्जाम्पल था किचन सिंक ड्रामा का। अब देखिए, किचन सिंक ड्रामा क्या होता है? किचन सिंक ड्रामा वो नाटक होते हैं जो कि सब कुछ बहुत ही रियलिस्टिकली दिखाते हैं, रियलिस्टिकली अच्छी तरह से पूरा दिखाते हैं। और किसके बारे में दिखाते हैं? वर्किंग क्लासेस के बारे में दिखाते हैं, या बूर्जवाजी मिडिल क्लास सोसाइटीज़ के बारे में दिखाते हैं। ये सारे के सारे प्लेस जो कि आपको अच्छी तरह से एक मिडिल क्लास फैमिली से रूबरू करवाते हैं, और घर के बारे में होते हैं, जैसे घर के अंदर जो ड्रामा है उसे हम किचन सिंक ड्रामा कहते हैं। और इस तरह के ड्रामा को हम कोलैप्स ऑफ फोर्थ वॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलैप्स ऑफ फोर्थ वॉल। कोलैप्स ऑफ फोर्थ वॉल का क्या अर्थ है? देखिए, जैसे ये चार दीवारें होती हैं घर की। अब इन चार दीवारों में से अगर हम, जैसे ये हमारी चार दीवारें हो गई, अगर हम एक दीवार को हटा के ऑडियंस को बिठा के रियलिटी दिखाएं कि क्या हो रहा है उस जगह पे, ऐसे पर्टिकुलर प्ले को हम कोलैप्स ऑफ फोर्थ वॉल थिएटर कहते हैं, या किचन सिंक ड्रामा कहते हैं, जो रियलिस्टिकली वर्किंग क्लास को दिखाते हैं। और ये प्ले डील करता है एंग्री यंग मैन मूवमेंट से। अब एंग्री यंग मैन मूवमेंट क्या हुआ? एंग्री यंग मैन मूवमेंट, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, 1940s में, अब अच्छी तरह से ये समझना है क्योंकि अगर आप ये समझ गए आप इस पूरे प्ले को समझ जाएंगे। 1940s में आपका वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। 1939 से लेके ऑलमोस्ट 1944 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब इस वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को, यूनाइटेड किंगडम को बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़े, पराजय फेस करनी पड़ी, और जिसकी वजह से उनकी पोजिशन थोड़ी कम हो गई। अब जैसे ही उनकी पोजिशन थोड़ी कम हुई, तो 1944 के बाद उन्होंने क्या शुरू कर दिया? उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया कि जो कॉलोनीज़ उनके पास थी, जो राज्य उनके पास थे, उनको उन्होंने आज़ादी देनी शुरू कर दी। अब ये जब उन्होंने आज़ादी देनी शुरू कर दी, तो वहाँ पर क्या हो रहा था? एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था। साथ ही साथ में इन्होंने बहुत सारे लोगों को पढ़ने, शिक्षा, फ्री एजुकेशन देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे तो हो गए थे इंग्लैंड में, लेकिन ये सारों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी। देखिए, 1945 में लेबर पार्टी आई पावर में। लेबर पार्टी जैसे ही पावर में आई, इन्होंने बहुत ही ऊंचे ऊंचे दर के प्रॉमिसेस कर दिए इंग्लैंड के लोगों को कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपको नौकरियां दिलवाएंगे, हम आपको इंश्योर करेंगे कि आपके पास जॉब्स हों। क्योंकि पहले जॉब्स कैसे आ रही थी? पहले जॉब्स आ रही थी क्योंकि लोग आधे से ज़्यादा कॉलोनीज़ में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर के बाद कॉलोनियलिज्म का प्रोसेस ख़त्म होने लग गया,
तो ज़्यादा जॉब्स भी नहीं थी। अब यहाँ पर लेबर पार्टी ने बहुत सारे प्रोमिसज़ तो कर दिए, लेकिन लेबर पार्टी ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था उनके लिए वो प्रोमिसज़ को कंप्लीट करना। तो जब लेबर पार्टी का टेन्योर ख़त्म हो गया तो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा रहे लेबर पार्टी से, और तब ये जो पूरा का पूरा एक जो यंग मैन थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, डिससेटिस्फाइड थे, उनको एंग्री यंग मैन का कहने लगाया जाने लग गया। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये प्ले एंग्री यंग मैन मूवमेंट को बिलोंग करता है, जहाँ पे यूथ हैव बीन डिससेटिस्फाइड क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं, तो ये प्ले एंग्री यंग मैन मूवमेंट को डिपिक्ट करता है। अब इसकी समरी एक रोमांचक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ध्यान से इसे समझिएगा। जैसा हम लोगों ने कहा कि तीन एक्ट में ये प्ले डिवाइडेड है। प्ले की शुरुआत होती है एक संडे आफ्टरनून को जो कि बहुत ही दुखद संडे आफ्टरनून है, और ये प्ले कहाँ पर परफॉर्म हो रहा है? ये परफॉर्म हो रहा है इन अ क्रैम्ड एटिक, भरा हुआ एटिक जो है, एटिक रहने की जगह। और ये किसका एटिक है? ये एटिक है एलिसन का और जिमी पॉटर का। सो ये एटिक किसका है? ये एटिक है हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिमी पॉटर का और उनकी पत्नी एलिसन का, ठीक है। और ये कहाँ पर रहते हैं? ये मिडलैंड्स में रहते हैं। ये कहाँ पर रह रहे हैं? ये मिडलैंड्स में रह रहे हैं। अब जिमी और क्लिफ, उनके साथ एक वेल्श लॉजर भी है, वेल्श यानी कि वेल्श क्षेत्र से जो आए हैं, क्लिफ उनके साथ रहते हैं। तो एक्ट वन में हम लोगों को जिमी पॉटर से मिलते हैं, क्लिफ जो उनके साथ रहता है उनके घर में वो है, और एलिसन उनकी धर्मपत्नी है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी। अब जिमी और क्लिफ बैठे हुए हैं और वो संडे दोपहर के पेपर्स पढ़ रहे हैं, वो संडे को पेपर्स पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ में रेडिकल वीकली पढ़ रहे हैं, जबकि एलिसन उनकी धर्मपत्नी क्या कर रही हैं? एलिसन इस्त्री कर रही हैं, कपड़ों को इस्त्री कर रही हैं। और यहाँ आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ये प्ले जाना जाता है अपने सिम्बलिज़म के लिए। ये प्ले किसके लिए जाना जाता है? ये प्ले जाना जाता है अपने सिम्बलिज्म के लिए। अब सिम्बलिज्म का क्या अर्थ होता है? सिम्बलिज्म का तात्पर्य होता है कि ऐसी चीज़ जो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कोई और चीज़ आपको सिम्बॉलिकली डिस्प्ले करे। जैसे आयनिंग यहाँ पर इस सिम्बॉलिक, ये सिर्फ स्त्री कपड़ों पे ही नहीं कर रही हैं, ये कोशिश कर रही हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो गाँठें बन गई हैं ये उन्हें भी हटा पाएँ। तो ये सिम्बलिज्म हो जाता है आयन बोर्ड का। एलिसन बिजी है कपड़ों को आयन करने में, जबकि जिमी और क्लिफ वहाँ पर ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और साथ में बातचीत कर रहे हैं। अब एलिसन इनकी बातचीत थोड़ी बहुत सुनती है। अब ये देखिए आपको क्या याद रखना है, सबसे ही पहले सीन में हम लोगों ने तीन किरदारों से मिल चुके हैं, हम लोग एलिसन को देख चुके हैं, जिमी पॉटर उनके पति को देख चुके हैं, और उनके ही घर में जो एक और सदस्य रहता है क्लिफ, उनको हम लोगों ने देखा। तो ये तीन कैरेक्टर्स हम इनसे मिल लिए हैं। अब एलिसन और जिमी, ये जो मियाँ बीवी हैं, इनके बीच में क्लास डिफरेंस है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, पहले ही सीन से हमें पता चल जाता है कि एलिसन और जिमी जो हैं इनके बीच में सोशल स्टेटस का डिफरेंस है। दे आर सोशली अपार्ट, ये सोशली अपार्ट हैं, एक दूसरे से ह्यूज गैप है। एलिसन जो है वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं। एलिसन कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं, जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं। और जिमी जो है वो वर्किंग क्लास से आ रहा है, जिमी वर्किंग क्लास से आ रहा है, और एलिसन जो है उनके पापा कर्नल रेडफर्न, आगे जाके हम देखेंगे वो भारत में कार्य करते थे, क्योंकि सारा का सारा देख रेख के लिए काफ़ी सारे लोग इंग्लैंड से भारत में आए थे और काफ़ी पैसा कमा रहे थे। तो ये एलिसन और जिमी के बीच में ये जो क्लास डिवाइड है ये पता चल जाता है, और हमें पता चलता है कि जिमी के लिए बहुत मुश्किल था एलिसन का हाथ लेना मैरिज में, लेकिन समहाउ, और एलिसन की फैमिली चाहती भी नहीं थी कि जिमी उनके दामाद बने, लेकिन किसी तरह से जिमी ने मैनेज किया और एलिसन से विवाह
कर लिया। अब हमें ये भी पता चलता है कि जिमी और एलिसन अपना घर कैसे चला रहे हैं। ये अपना घर चला रहे हैं एक मिठाई की दुकान से। ये फैमिली जो है ये अपना लाइवलीहुड कैसे अर्न करती है, ये फैमिली अपना लाइवलीहुड अर्न करती है एक मिठाई की दुकान से जो कि ये लोकल मार्केट में चला रहे हैं, एक स्वीट स्टॉल जो है उससे ये अर्न करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने क्या कहा था, एंग्री यंग मैन मूवमेंट क्यों था, लोग एंग्री इसलिए थे क्योंकि उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज तो आ गई थी क्योंकि इंग्लैंड में फ्री एडुकेशन उस टाइम पे आ गया था, लेकिन उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई थी, और क्योंकि उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई थी इसलिए लोग काफ़ी अनएम्प्लॉयड थे और डिससेटिस्फाइड थे। जिमी डिस्पाइट बींग वेल एजुकेटेड, वो एकेडमिकली बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं और एजुकेटेड हैं, लेकिन ये जो कार्य है स्वीट स्टॉल को खोलना, इट इज़ एक्चुअली बिलो हिज एकेडमिक स्टेटस, उनके एकेडमिक स्टेटस से कमतर है, राइट और जिमी को इसीलिए एक तरह की खुन्नस लगती है एलिसन के परिवार से कि एलिसन का परिवार में, एलिसन का जो भाई है उसे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि एलिसन एक बहुत ही कंफर्टेबल परिवार से आती हैं, इसलिए उनका भाई आसानी से नौकरियां पा सकता है। लेकिन जिमी पढ़े लिखे होने की वजह से भी बजाय भी क्योंकि वो वर्किंग क्लास ओरिजिन से आ रहे हैं, वो कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे अपने कारोबार को या बड़ा नहीं हो पाएंगे, अपनी नौकरी अच्छी जगह पे नहीं पा पाएंगे, तो इसीलिए जिमी जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा नापसंद करते हैं एलिसन के परिवार को। जिमी एलिसन के साथ बहुत लड़ाई भी करते रहते हैं, जैसे कि जिमी एलिसन को प्यूसिलैनिमस कहते हैं, उन्हें एलिसन को इंसल्ट करते रहते हैं क्लिफ के सामने जो उनके साथ रहता है, और फिज़िकल फाइट हो रही होती है जिमी और एलिसन के बीच में, और ये जो फिज़िकल फाइट हो जाती है क्योंकि ये दोनों, मतलब जिमी को काफ़ी ज़्यादा आक्रोश होता है एलिसन के ऊपर, इसीलिए एक तरह की फ़िज़िकल मतभेड़ हो जाती है जिमी और एलिसन के बीच में, जिमी और एलिसन के बीच में। और जब ये लड़ाई होती है तो जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि एलिसन कपड़े इस्त्री कर रही है तो आयरन बोर्ड है, आयरन बोर्ड जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है और एलिसन के आर्म में चोट लग जाती है, वो जल जाता है और जिमी इसके बाद स्टेज को छोड़ देता है। तो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है हमारा जो पहला एक्ट है, लेकिन पहले एक्ट के अंदर आपको याद रखना है कि एक इमोशनल सीन भी है पहले एक्ट में एक इमोशनल सीन, जैसे ही जिमी एलिसन के हाथ को जला के, गलती से हाथ को जला के चला जाता है, तब एलिसन और क्लिफ बातचीत कर रहे होते हैं, ये सब पहले एक्ट में ही हो रहा है, और ये इस बातचीत के दौरान एलिसन क्लिफ को बताती है कि किस तरह से एक्सीडेंटली वो माँ बनने वाली हैं और वो बहुत ही डर रही हैं अभी जिमी को बताने के लिए अबाउट हर प्रेगनेंसी, क्योंकि उनको डर है कि जिमी किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जिमी वापस आ जाते हैं थोड़ी देर के बाद, और जब वो वापस आ जाते हैं तो एलिसन एक्ट वन के अंत में उन्हें बताती हैं कि किस प्रकार से उनकी दोस्त हेलेना चार्ल्स, जो कि पेशे से एक एक्ट्रेस है, हेलेना चार्ल्स उनसे मिलने आने वाली हैं और वो उन्हीं के साथ मिडलैंड्स में रहेंगी, उनके क्रैम्प्ड एटिक में रहेंगी। तो ये इस तरह से ख़त्म हो जाता है हमारा पहला एक्ट, हमें पता चल जाता है, हम लोग रूबरू होते हैं एलिसन से, जिमी से, क्लिफ से, हमें पता चलता है एलिसन और जिमी के बीच में जो क्लास डिवाइड है, किस तरह से वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह से हेलेना चार्ल्स आने वाली हैं और हेलेना साथ में रहेंगी, जिमी को हेलेना ज़्यादा पसंद नहीं है, और दोबारा से एक्ट वन के एंड में एक तरह की मतभेद दोबारा हो जाती है जिमी और एलिसन के बीच में। अब आते हैं हम दूसरे एक्ट पे, एक्ट टू पे। अब ये जो एक्ट टू है यहाँ पर एक और संडे आफ्टरनून है, पहले एक्ट में भी हम संडे पे ही आए थे संडे आफ्टरनून में, अभी भी यहाँ पर एक और संडे आफ्टरनून है, और अब यहाँ पर एलिसन हैं और इनकी दोस्त हेलेना चार्ल्स मौजूद हैं, दे आर बिज़ी कुकिंग लंच, ये खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हैं। एलिसन बताती है हेलेना को कि किस प्रकार से
वो जिमी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी जब जिमी कैंपेन कर रहे थे जो पोस्ट वॉर इंग्लैंड है उसमें किस तरह की कमियां आ गई थी उसके खिलाफ लड़ रहे थे। और यहाँ आपको याद रखना है कि हेलेना जो मित्र हैं एलिसन की, जो सहेली हैं एलिसन की, इन्होंने टेलीग्राम भेज दिया है एलिसन के माता पिता को और उन्होंने कहा है कि आप आइए और एलिसन को यहाँ से बचा के ले जाइए क्योंकि यहाँ पर आपकी बेटी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और एलिसन बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है कि हेलेना ने ऐसे टेलीग्राम कैसे भेज दिया उसके परिवार को। लेकिन एलिसन के पापा जब आते हैं, एलिसन के पापा कौन हैं? एलिसन के पापा हैं कर्नल रेडफर्न। एलिसन के पापा जब कर्नल रेडफर्न आते हैं तो वो एलिसन को लेकर चले जाते हैं और एलिसन उनके साथ चली जाती है। एक तरह का फिज़िकल टसल होता है बिटवीन हेलेना एंड जिमी, एक तरह का फिज़िकल टसल होता है हेलेना और जिमी के बीच में जब एलिसन चली जाती है। लेकिन सेकेंड एक्ट के बाद हम देखते हैं कि जिमी और हेलेना जो है दे आर किसिंग ईच अदर पैशनेटली और वो दोनों बिस्तर पे गिर जाते हैं। तो हमें साफ पता चल रहा है यहाँ पर कि हेलेना और जिमी के बीच में एक तरह के रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई है। अब यहाँ आपको याद रखना है हम लोगों ने शुरुआती दौर पे क्या कहा था, हम लोगों ने शुरुआती दौर पे ये कहा था कि ये प्ले एग्जाम्पल है नेचुरलिज्म का। अब देखिए नेचुरलिज्म में हम लोगों ने क्या कहा था कि अंडरबेली दिखाई जाती है, सच्चाई दिखाई जाती है, जो चीज़ें अंडरबेली हैं, जो जिन चीज़ों के बारे में हम अक्सर बातें नहीं करते हैं, छुपा देते हैं, उनके बारे में नेचुरलिज्म में बातें की जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर इवन दो हेलेना अपने एलिसन को बहुत ही दिखावा कर रही थी या सचमुच में बहुत ज़्यादा कंसर्न थी और इसीलिए टेलीग्राम भेज देती हैं कि एलिसन के पिता कर्नल रेडफर्न आके उन्हें ले जाएं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हेलेना और जिमी के बीच में एक रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई है। तो ये एक तरह का नेचुरलिज्म का ही उदाहरण हो जाता है। अब हम आते हैं एक्ट थ्री पे। एक्ट थ्री इज़ अकॉर्डिंग टू काफ़ी सारे जो क्रिटिक्स होते हैं वो कहते हैं इट इज़ अ रीप्ले ऑफ एक्ट वन। वो कहते हैं कि एक्ट थ्री में वही चीज़ है और तभी इस प्ले को साइक्लिकल कहा गया है कि जिन चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं हम उन्हीं पे आके अटक जाते हैं। काफ़ी सारे महीने बीत गए हैं और अब यहाँ पर हेलेना आयन कर रही है, हेलेना जो हैं वो आयन कर रही हैं। और जब हेलेना इस्त्री कर रही होती हैं उन्होंने जिमी पॉटर की रेड शर्ट को पहना हुआ है, तो वो जिमी पॉटर की रेड शर्ट को उन्होंने पहना होता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से जिमी जो है, जिमी, हेलेना और क्लिफ अब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। लेकिन एलिसन ने अपना बेबी खो दिया है। कैसे? एलिसन ने एक्ट वन के एंड में क्लिफ को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, तो एलिसन ने अब अपना बेबी जो है वो खो दिया है और इसीलिए वो वापस भी आ जाती हैं। और जब वो वापस आती हैं तो हेलेना अब इनके घर से चली जाती है और अल्टीमेटली जिमी पॉटर और एलिसन के बीच में फिर से एक तरह का रिश्ता बन जाता है, रिकंसिलिएशन हो जाता है। सो देर इज़ एन रिकंसिलिएशन दैट टेक्स प्लेस। और ये दोनों प्ले करते हैं बेयर्स एंड स्क्विरल्स। ये क्या प्ले करते हैं? ये प्ले करते हैं बेयर्स एंड स्क्विरल्स, जो कि गेम है जो ये लोग खेलते रहते हैं। ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि जिमी और एलिसन क्या, कौन सी गेम खेलते हैं? वो बेयर्स एंड स्क्विरल्स की गेम खेलते हैं और एंड में यूनाइट कर लेते हैं। इस प्ले को बोला गया था काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले, जहाँ पर ऑडियंसेस इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठी रही, काफ़ी प्रसिद्ध ये प्ले रहा था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये नेचुरलिज्म का एग्जाम्पल है, किचन सिंक ड्रामा का एग्जाम्पल है, एंग्री यंग मैन मूवमेंट का एग्जाम्पल है, कैसे कोलैप्स ऑफ फोर्थ वॉल थिएटर हो रहा है और किस प्रकार से तीन एक्ट प्ले में हमें जिमी पॉटर और एलिसन की कहानी बताई जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप से इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़कर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं।